शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले हफ्ते तेरी शादी है और मैं चाहता हूं कि शादी के बाद तू और टोस्टी इस घर में नहीं रहेंगे। तू टोस्टी को लेकर इस घर से अलग हो जा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं जितना कह रहा हूं उतना कर। शादी कर और शादी के बाद इस घर से अलग हो जा, अपनी नई दुनिया बसा। लेकिन क्यों पिताजी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? टोस्टी के माता पिता से कोई गलती हुई तो मैं नहीं। तो फिर क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? तू मेरी बात बिना सवाल पूछे नहीं मानेगा? पिताजी, अगर आपने मुझसे कहा होता कि तेज तू इसी वक्त, अभी इसी वक्त बिना कोई सवाल किए इस घर से चला जा, तो मैं चला जाता। लेकिन आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी को लेकर के शादी के बाद इस घर से दूर चला जाऊं। क्या बात है पिताजी, आप अब भी टोस्टी से नाराज हैं? पिताजी, मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं शादी करके इस घर में अपने लिए बीवी लाना चाहता हूं। मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं शादी करके इस घर के लिए बहू लाना चाहता हूं, आप सबके लिए बहू लाना चाहता हूं। और अगर ये आपकी मर्जी नहीं है, अगर आप खुश नहीं है पिताजी, तो मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने तुझसे शादी ना करने के लिए नहीं कहा है तेज, मैंने ये कहा है कि शादी कर और अलग हो जा। लेकिन क्यों पिताजी? तू जानता नहीं है इस घर के लोगों को? मैं जो कह रहा हूँ तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, मानता नहीं है गधा? मैं जानता हूँ पिताजी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आप जो कुछ भी कह रहे हैं मेरे भले के लिए कह रहे हैं। लेकिन आपको याद है ना कि जब माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तो उन्होंने आपसे क्या कहा था? तुमने जो नाम सुझाया था ना, क्या हम सबको बहुत पसंद है, ज्ञान बिल्कुल तुम पर गया है। अच्छा है ना, उसे देखकर मुझे याद कर लीजिएगा। मुझे नहीं करना है तुम्हें याद, मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। न जाने क्यों अपने आप मेरे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ गए। हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है, ज्ञान प्राचीन तेज, हम तो कितने छोटे हैं। बोलो आप हैं ना, आप ही को संभालना होगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब वो लड़े दूसरे के लिए लड़े, और जब वो जुड़े तो एक से दिखे, घर परिवार को सब कुछ जोड़ के रखने का काम आपका है। मेरे जाने के बाद उनके पिता भी और माँ भी। लेकिन पिताजी, एक बात मुझे साफ साफ याद है कि उस दिन मैंने आपकी आंखों में पहली बार आंसू देखे। आपको रोते देखकर मैं तो रो भी नहीं पाया। मां ने आपसे कहा था कि इस परिवार को जोड़े रखना, तो फिर मुझे आप खुद से अलग क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी खुशी के लिए। पिताजी, मेरी कोई भी खुशी इस परिवार से बढ़कर नहीं है, पर आपसे बढ़कर तो बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं जानता कि आप किस बात को लेकर परेशान हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको और परेशान नहीं होने दूंगा।
मैं वादा करता हूं। तेज एक बहुत समझदार लड़का है, वो मेरी बात समझेगा। तुम दोनों शादी के बाद अलग रहो और आराम से रहो। ठीक है मां, लेकिन आप तेज से बात नहीं करोगे। मैं खुद तेज को बोलूंगी कि शादी के बाद हम अलग रहेंगे। लेकिन मम्मा, क्या बेटा? मैं अलग होने के बाद आप लोगों से मिलने फिर कभी नहीं आऊंगी। क्यों? परिवार से जुदाई का बोझ सिर्फ तेज अकेले सहन करेगा। नहीं बेटा, तू समझ नहीं रही मैं क्या कह रही हूं। मम्मा, खुद नहीं समझ रही हो कि आप क्या कह रहे हो। तेज के बजाय अगर कोई और लड़का होता और उसके घर में प्रॉब्लम्स होती या आपकी तरफ से मंजूरी नहीं होती तो वो मुझे कब का बोल चुका होता कि चलो भाग के शादी कर लेते। लेकिन तेज, तेज ने ऐसा कभी नहीं कहा। मां तेज, तेज क्या हुआ? क्या कहा पिताजी ने? भैया, हम सबको टेंशन हो रही है, बताइए ना क्या हुआ। ये शादी नहीं होगी। ऐसा कहा पिताजी ने? ये मेरा फैसला है। लेकिन एक बार अपने आप को मेरी जगह रख के देख बेटा। जब तू मां बनेगी ना, तब मैं तुझसे पूछूंगी, तब तुझे पता चलेगा। मम्मा, मैं जब मां बनूंगी तब मैं बनूंगी, लेकिन अभी मुझे किसी के घर की बहू बनना है। आपने और पापा ने कितने घरों को टूटने से बचाया है मम्मा, और आप ही तो मेरी फ्रेंड्स को सलाह देती हैं कि ससुराल तुम्हारा घर है, उसे कभी टूटने मत देना, और आप मुझे अलग हो जाने को कह रहे हो। बचपन से लेके आज तक मैंने आपको देखकर प्राउड फील किया है। मैं सोचती थी मैं जब बड़ी होंगी ना तब मैं मम्मी जैसी बनूंगी। प्लीज उस गर्व को मत खोने दो मम्मा। अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो आई प्रॉमिस यू, तेज तो क्या, मैं किसी भी लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी। मैं जब भी तेरा बेबस चेहरा देखती हूँ मैं मजबूर हो जाती हूँ, कमजोर हो जाती हूँ। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि मेरी छोटी सी दोस्ती बड़ी हो गई और अब अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद ले सकती है। मुझे यकीन है बेटा कि तू कभी भी कोई भी फैसला गलत नहीं लेगी। मैं गलत थी और तू सही, अब मैं तुझे कभी भी ये बातें वापस नहीं करूंगी। I'm really sorry. तेज, तेज तू हमारा सच्चा भाई है। आज तूने साबित कर दिया कि तू हम सबसे कितना प्यार करता है।
भैया भैया आप इस घर की शान हैं। एक एक मिनट भैया भैया, ये अचानक आपको हो क्या गया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तू चुप कर। भैया ने जब फैसला कर ही लिया है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? भैया वैसे मैं अपना कमरा छोड़ के बरामदे में और किचन में सोने के लिए तैयार था भैया। अरे सिर्फ तू क्या, मैं भी। तेज मैं तो दादाजी के कमरे में भी सोने को तैयार था। लो दादाजी के साथ। कितने भी दरवाजे बंद कर लो, दुख अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अब चाहे जो भी हो, टोस्टी को बताना तो पड़ेगा ही। ज्ञान ये आप क्या कर रहे हैं भैया? क्या कर रहे हैं मतलब, मुझे टोस्टी को बताना तो पड़ेगा मैं क्या फैसला ले रहा हूं। तो क्यों किया आपने ऐसा फैसला? तो भी छोटा है ज्ञान, बहुत सारी बातें नहीं समझ सकता। भैया अगर इस घर में बहू आएगी या नहीं, इस बात के लिए मुझे हाँ कहने का अधिकार है। तो बहू क्यों नहीं आएगी, इस बात पर सवाल पूछने का हक भी है मुझे, है ना भैया? सचमुच मां का अंश है तुझमें। सामने मां खड़ी है, यही समझ के मन हल्का कर लीजिए ना। मैं क्या कहूं तुझसे ज्ञान, तूने देखा नहीं बाहर क्या हुआ? सब लोग मेरी शादी ना करने के फैसले से कितने खुश हैं। मैं क्या कहूं तुझसे, घर में कोई नहीं चाहता कि मेरी शादी हो। वो तो पहले भी यही चाहते थे, लेकिन तब तो आपने हार नहीं मानी थी। हार नहीं मानी थी ज्ञान, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा था और कुछ नहीं। लेकिन अब नहीं, अब नहीं ज्ञान, अब मैं सबकी खुशी के बारे में सोच रहा हूं। और सबकी खुशी इसमें है कि मेरी शादी ना हो। लेकिन भैया किसने कहा आपको कि सबकी खुशी इसमें है? देखिए मैं बहुत भारी शब्दों में नहीं कहूंगा क्योंकि मैं छोटा हूं, लेकिन इस घर में असली खुशी तभी आएगी जब इस घर में भाभी आएंगी, और यही सच है भैया। अरे कहां हो तुम लोग, क्या दो मिनट, अरे जल्दी आओ बाबा तुम लोग। ओके ये लोग भी ना। डिंपल। हाँ मम्मा। तुम्हारी कोई क्लासेस तो नहीं है ना एक्स्ट्रा वाली आज? नहीं मम्मा आज कोई क्लास नहीं है। शुक्र है। और हाँ सारा सामान बिल्कुल लिस्ट के मुताबिक आया है ना? सब सामान आ गया। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तेज के घर वालों को किसी भी चीज में शिकायत का मौका ही ना मिले। नहीं मिलेगा मम्मा। देवी जी एक बात बताइए, ये आपने सुधा ललित कुमार शर्मा को कहीं देखा है क्या? ये क्या नया शुरू कर दिया आपने? नहीं सुबह से ना मैंने अपनी पत्नी को कहीं देखा नहीं है। देखने में बिल्कुल आपके जैसे हूबहू, लेकिन वो हमेशा अपनी बेटी के होने वाले ससुराल को लेकर थोड़ी चिढ़ी हुई रहती है। लेकिन आप तो लड़के वालों की खातिरदारी को लेकर बड़ी फिक्रमंद है। आपने देखा मेरी पत्नी को? जी वो तो चली गई हमेशा के लिए। तो फिर आप कौन है? मैं मैं टोस्टी की माँ हूं, वो माँ जिसकी बेटी बड़ी हो गई। और पता है जब बेटी बड़ी हो जाती है तो क्या होता है? उस माँ की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? कल तक तो तुम कह रही थी कल था और आज। सुनो क्या है ये नई सुधा ललित कुमार शर्मा से मिलकर सचमुच बहुत खुशी हो रही है।
थैंक यू। गुड मॉर्निंग आंटी। हेलो। ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो, बाद में। इतना सारा काम पड़ा है, तुम लोग अब आ रहे हो? चलो सब लोग काम पर लग जाओ। पहले स्मिता तुम खाने का मेन्यू डिसाइड करो। नितिका इसके हिसाब से खाना बनाना शुरू कर दो। सुनैना घर की सारी डेकोरेशन की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ दूँ। ओके डन डन। मम्मा मैं क्या करूँगी? डिंपल बेटा तुम किचन में जाओ ना। और सुनो सुधा मैं क्या कह रहा था कि आप तो कुछ मत बोलिए। पहले कितना वक्त बर्बाद करवा दिया आपने, आप बस चुपचाप उस कोने में बैठे रहिए। और ये औरतों का काम है, हम औरतों को करने दीजिए ना। तुम लोग खड़ी क्यों हो? चलो 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 मेरे सामान उठाओ यहाँ से, जल्दी जल्दी जल्दी। अंकल आज कितने लोग आ रहे हैं सगाई पे? 7 लोग। अंकल एक काम कीजिए, आप 7 बुके लेकर आइएगा। मम्मा क्या हुआ? ये देखो मेरा लहंगा फिटिंग लूज है। अरे पर ये कैसे हो सकता है? तो शॉप में ट्राई किया था, अब तो फिटिंग ठीक थी। हाय मेरी बच्ची, एक ही दिन में दुबली हो गई। अब क्या करूं? क्या करूं क्या? चेंज करवाना। ठीक है मैं ठीक करा के आती हूँ। अच्छा सुन, तेज क्या पहनने वाला है आज? मुझे क्या पता? तो पता होना चाहिए। तुझे पता है ना तेज कपड़ों के मामले में पता है ना? देख अगर वो फिर से आज मद्रासी फिल्मों के हीरो जैसे कपड़े पहन के आ गया ना तो आई स्वेयर मैं एंगेजमेंट छोड़ के चले जाऊंगी। सीरियसली बट जोक्स असाइड आई कांट रिस्क दैट ना। थैंक गॉड तुम लोगों ने मुझे याद दिला दिया। क्या करूं? चेक करके क्या पहन रहा है वो? मैं ही उसके लिए कुछ खरीद लूं? गुड आइडिया बेटा। ओके चलो सब्जी बना लेते हैं। कैसे बताऊं टोस्टी को, उसका दिल तो बताने तो पड़ेगा ही। हेलो। आई नो तुम इस वक्त बहुत बिजी होगे तैयारी में, लेकिन प्लीज तुम मुझे 5 मिनट के लिए मॉल पे मिल सकते हो? बहुत जरूरी काम। टोस्टी मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम मिलके कहो ना। टोस्टी अभी सुनो। तेज प्लीज इस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। टोस्टी प्लीज 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 तेज तुम मिलके कहो ना जो भी कहना है। टोस्टी मेरी बात, मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुम मुझे 1.5 घंटे में मॉल पे मिलो। ओके बाय। अरे भैया आज तो अपनी तीसरी आंख बंद रखी है। क्यों आज क्या खास बात है? अरे कितना बड़ा दिन है आज। अरे आज हम अपने घर में आने वाले बहू नाम के कितने बड़े संकट से बच गए। भैया मैं आ गया। तो एहसान कर दिया। अरे दिखता है मुझे, बताने की क्या जरूरत है? तो अकेला क्यों आया? तेज कहाँ है? तेज भैया टोस्टी भाभी से मिलने गए हैं। अरे भाभी भाभी क्या क्या भाभी भाभी, जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो भाभी भाभी क्या? और शादी ना करने का फैसला उसका ही था ना, तो फिर टोस्टी से मिलने क्यों गया वो? अरे मुझे क्या पता, नहीं मतलब मुझे प्राचीन जाने दे जाने दे। जा उधर आंटी को साड़ी दिखा। चाचा चाचा शांत भैया शांत। अरे भैया वो वहां पे यही बताने गया होगा कि उसने शादी तोड़ने का फैसला कर लिया है। एक अच्छा नागरिक होने के नाते उसका फर्ज बनता है ना, ये उसे उसका फर्ज निभाने दीजिए भैया। हमारे लिए यही अच्छा है ना भैया। हे भगवान प्लीज मेरी मदद कर, मुझे हिम्मत दे दोस्ती को बताने के लिए, लेकिन कैसे बताऊं ना उसको, क्या बीतेगी उस पर, कितने सपने सजाए थे उसने। जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी ना मैं सबको ऐसे संभाल लूंगी कि किसी को एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो तो टूट जाएगी, और उसके मम्मी पापा मैं नजर कैसे मिलाऊंगा उनसे, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। हिम्मत दे भगवान हिम्मत दे। तेज क्या हुआ? दोस्ती मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तुम कुछ बोलने वाले थे ना तेज, बोलो। दोस्ती वो
मैं तेज बोलो ना दोस्ती बोलो भी दोस्ती मैं वो तेज टाइम अप तुम कितना वक्त लगा रहे हो अब जो बोलना है शाम को बोलना नहीं दोस्ती मेरी बात तेज प्लीज मुझे बहुत लेट हो रहा है अच्छा ये लो ये क्या तुम्हारे लिए शेरवानी शाम को यही पहन के आना दोस्ती लेकिन तुम लेकिन बेकिन कुछ नहीं अगर शाम को तुम ये पहन के नहीं आए और अपने गंदे से चॉइस वाले कपड़े पहन के आए ना मैं तुमसे सगाई नहीं करूंगी दोस्ती तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो प्लीज प्लीज नखरे करना बंद करो मुझे बहुत लेट हो रहा है मुझे पार्लर जाना है वहां जाके तैयार होना है फिर मुझे घर जाना है प्लीज प्लीज तेज मुझे आज दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखी ओके चलती बाय आई लव यू शाम को मिलना और शेरवानी पहन के आना बाय चलो 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 भैया अब तक तो तेज ने मना कर ही दिया होगा तू जो अच्छी है अगर तेज उस लड़की को मना नहीं कर पाया होगा तो भैया बी पॉजिटिव भैया पॉजिटिव सोचने से हमारे आसपास की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और तो और अगर हम किसी बात को बार 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 पॉजिटिवली सोचते हैं ना वो चीज कभी ना कभी सच हो ही जाती है भैया है ना भैया अरे तेज आ गया उस लड़की को मना करने गया था ना मना करके आया अरे हाँ या ना कुछ तो बोल नहीं बोला उसके चेहरे पे लिखा है क्यों नहीं बोला चल अभी फोन लगा और मना कर दे किसी को अंधेरे में रखना अच्छी बात नहीं है आप लोग ही बोल दीजिए प्राचीन फोन कर अरे मैं क्यों करूं क्योंकि तू छोटा है इसलिए भैया भैया ये बातें बड़े करें तो ज्यादा अच्छा लगता है अरे लो पिताजी आ गए वेद क्या भीड़ लगा रखी है यहां वेद इन्हें बता दो पिताजी वो क्या है ना कि तेज ने शादी ना करने का फैसला तो कर लिया है पर वो ये बात लड़की के घर वालों को बता नहीं पा रहा है वो अगर आप फोन करके बता देंगे ना तो वो लोग फालतू में तैयारी नहीं करेंगे सफेद वाला अरे फोन उठाइए ना हाँ हाँ उठा रहा हूँ हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार छेदीलाल चतुर्वेदी जी मुझे लग ही रहा था कि आपका फोन आएगा हमारे यहाँ तो सारी तैयारियां हो रही हैं मतलब लगभग सब हो चुका है शर्मा जी जरा मेरी बात सुनेंगे मैंने एक बहुत ही जरूरी बात कहने के लिए आपको फोन किया है हाँ हाँ कहिए ना ऐसा है तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना खाना वाना बनाना बंद करो hmm.
जरा पूछना इनसे क्या बात हुई। प्राचीन जरा पूछना इनसे क्या बात हुई। मैं क्यों पूछूं? अरे वो पल्लू बराबर लगाओ। हाँ बराबर दिखना चाहिए, प्लीट्स भी बराबर। हाँ सुनिए भाई साहब जी, कल मैं यहाँ से एक साड़ी ले गया था अपनी बीवी के लिए, वो साड़ी उनको पसंद नहीं आई, तो क्या मैं आज शाम को वो साड़ी बदलवा लूँ? जी कोई बात नहीं, आज नहीं, आप कल शाम को 6 बजे आ जाइए, आज हमारी दुकान 4 बजे से बंद है, क्योंकि आज मेरे बेटे तेज की सगाई है। के लिए मैंने अंगूठी पसंद की है। पिताजी आज आज मैंने एक फैसला लिया था। जानता हूं इसे आप मेरी बदतमीजी मत समझिएगा, लेकिन मैं अब भी उस फैसले पे कायम हूं। मैं टोस्टी से शादी नहीं करूंगा पिताजी। मेरे होते हुए तू होता कौन है ऐसा फैसला लेने वाला? लेकिन पिताजी यही सिखाया क्या मैंने तुझे कि बड़ों की बात सुने बगैर अपना फैसला ले लो? अगर मैं तुझसे ये कहूं कि मुझे तुम्हारी बात मंजूर है तो जी? अगर मैं तुझसे ये कहूं कि तेरी माँ को दिया हुआ वचन मैं नहीं तोड़ूंगा तो इस घर को इस परिवार को मैं टूटने नहीं दूंगा तो मतलब तब तू और टोस्टी और हमारा परिवार सब साथ मिलकर रहेंगे, तब तो तुझे कोई एतराज नहीं है ना? नहीं 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 पिताजी, बताइए भी हुआ क्या है? अंकल सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ अंकल बोलिए ना, क्या हुआ? तुम ऐसे खड़े क्यों हो? टोस्टी वो अभी तेज के पापा का फोन था, उन्होंने पता नहीं अंकल से क्या कहा और क्या हुआ? आप इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? बताइए ना कुछ तो बताइए, बात क्या है? देखिए फिर मेरा पैनिक अटैक शुरू हो जाएगा, मैं बता रही हूँ पहले से। नहीं पैनिक अटैक नहीं, पैनिक अटैक नहीं। क्यों? सुबह से मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे बोलने नहीं दिया, अब कर दी ना सबकी बोलती बंद, कर दी ना। आपको शर्म नहीं आती हमें इस तरह डरा के आप हंस रहे हैं? सॉरी सॉरी। पापा आप बताइए तो सही कि तेज के पिताजी ने कहा क्या? उन्होंने कहा है कि तेज प्रकाश चतुर्वेदी के दादाजी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उनके खाने में नमक कम रहेगा, और जो बड़ा भाई है ना तेज चतुर्वेदी उसका आज व्रत, इसलिए उसके खाने में नमक बिल्कुल नहीं रहेगा। डरा ही दिया था, पता है कितना काम पड़ा है। क्या पापा? वैसे डरने वाली बात तो है, नमक तो हर चीज में डलता है और हमारी बनाई गई हर चीज में नमक डल चुका है, इसका मतलब
हमें दादाजी और वेद भैया के लिए फिर से खाना बनाना पड़ेगा। स्मिता दीदी आप टेंशन मत लो, मैं ना खाना बनाने में आपकी हेल्प कर दूंगी। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। अरे थैंक यू, डोंट वरी, माय गॉड कितना सारा काम पड़ा है। चलो चलो काम पर लगो, अब तो खाना भी बनाना है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो तो सुनो। सुधा तुम टोस्टी, तेज का क्या हुआ? वो क्या पहनने वाला है? वो तय हुआ? तय हुआ नहीं, तय करके आई। मैंने उसे एक रॉयल सी शेरवानी गिफ्ट की, आज शाम को देखना तेज किसी हीरो से कम नहीं लगेगा। मद्रासी फिल्म का हीरो। चुप कर, चलो लेट्स गो। चल चल चल। होगा होगा। क्या भैया अब तक कपड़े रेडी नहीं हुए? अरे ये सोलार पावर से कुछ नहीं होने वाला, आप अंदर जाके इस्त्री करो। तू सामने से हटेगा तब तो कुछ होगा। अरे सूरज की रोशनी पड़ने देना इस पे। नानी नॉलेज नहीं। ओ हो, वाह तेज भैया वाह, क्या लग रहे हो, क्या स्माइल है, क्या स्टाइल है। चल चल अब ज्यादा वो मत कर, ये लगा। अरे अब तारीफ करो तो भी प्रॉब्लम है। वैसे भैया मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये शेरवानी 100% आपके पसंद की नहीं हो सकती। तुझे कैसे पता? भैया इस घर के सभी लोगों की पसंद नापसंद सब जानता हूँ मैं, तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये शेरवानी आपके पसंद की हो ही नहीं सकती। मैं मानता हूँ कि कपड़ों के मामले में मेरी पसंद थोड़ी खराब है, लेकिन बहू के मामले में मानता है ना? मानता है ना? हाँ, उस बात में मैं आपको 100 में से 100 मार्क्स देता हूँ, लेकिन सच सच बताइए ये शेरवानी आपके पसंद की नहीं है ना? टोस्टी ने दी है। अरे शेरवानी तो भाभी ने दी है, तो मुझे क्यों थैंक्स कह रहे हो? जब मैं तेरी होने वाली भाभी को फोन करके शादी के लिए मना करने वाला था तो मुझे किसने रोका था? तूने ना? मना कर दिया होता तो आज भैया ज्ञान को तो हम सब मिलके बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं। भैया कल तो बड़ा ढिंडोरा पीट रहे थे कि शादी नहीं होगी, तो आज पलट क्यों गए? सगाई आपकी हो रही है, नदों की तरह मजदूरी मैं कर रहा हूँ। ये देखो सबके कपड़े मुझे प्रेस करने पड़े। चल चल के मदद कर देते हैं। इधर तो आ गया आना, आ जरा इधर तो आ गया आना। चल मेरा कर, आ जा। नहीं नहीं आप मुझे मारोगे? मारूंगा नहीं, तुझे स्त्री कर दूंगा स्त्री। प्राचीन 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 क्या कर रहा है? तुझे चाहिए ना तेरा काम जल्दी खत्म, छोड़ 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 छोड़। अब करो प्रेस। हां प्रेस कर मैं तुझे। अरे भैया अरे भैया क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? जल्दी निकलना है, जल्दी कर प्रेस। अरे अरे जरा ढंग से पकड़ो, हम देने नहीं चाहिए मैं। अरे ढंग से पकड़ो ना। अरे क्या ढंग से पकड़ो, मैं गिर जाऊंगी। आंटी फूल दीजिए मुझे। ला रही हूँ ला रही हूँ, हिलाना मत। नहीं तू खुद ही हिल। अरे लेकिन ये पक्का काम करेगा ना आंटी? ऑफ कोर्स आंटी, आप देखिएगा लड़के वाले तो क्या इम्प्रेस हो जाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? मेहमानों का स्वागत करने के लिए लड़कियों ने नया आइडिया सोचा है। हाँ अंकल, जब मेहमान यहाँ से गुजरेंगे ना तो सुनैना वो वाली रस्सी खींचेगी और इस टोकरी में से सारे फूल ऐसे बरस पड़ेंगे। रॉयल ट्रीटमेंट अंकल। अरे तो इसमें इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? फूल ही बरसाने हैं ना तो हाथ से बरसा देंगे यूं। लेकिन कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी तो होता है ना। हे भगवान, तुम लोग अभी इतना कुछ कर रहे हो तो मेरे ख्याल से शादी में तो तुम लोग हेलीकॉप्टर से फूल बरसाओगे। नहीं not a bad idea, we'll do that. अरे 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 हमारे सामने तो सोच समझ के बोलना चाहिए, तुम लोग तो बात को यूं पकड़ लेते हो। हां तो मैंने तो आपको पहले से ही कहा था ना कि मत बोलिए, चुपचाप एक कोने में बैठे रहिए। अरे ये औरतों का काम है, हम औरतों को ही करने दीजिए ना। अतिथि देवो भव, सुना है आपने? सुना तो है लेकिन देखूंगा पहली बार। पशु पशु चल 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 पशु, अब दीद छोड़ दे और जल्दी तैयार हो जाए। दादाजी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मुझे ये पशु 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 कह के मत बुलाया कीजिए, नहीं होना है मुझे तैयार, नहीं जाना है मुझे कहीं। अरे क्या बच्चों जैसा रूठ के बात कर रहा है, तो एक काम कर आज मैं तुझे पूरा नाम देके बुलाता हूँ, बस
पशुपतिनाथ छेदीलाल आनंदीलाल चतुर्वेदी जल्दी तैयार हो जा बस। बड़े भैया चमचागिरी करने आया तो चला जाए यहां से, वरना इतना मारूंगा इतना मारूंगा ना। ये अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? पिताजी वो बड़े भैया कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे। वेद उससे कहो कि किसी एक के न जाने से सगाई रुकने वाली नहीं है। लेकिन सवाल एक आदमी की जिद का नहीं है, पूरे परिवार का है। अवसर निभाने जा रहे हैं हम, अगर सब साथ में चलेंगे तो अच्छा रहेगा। वेद इनसे कह दे कि अगर घर के नियम टूट ही रहे हैं तो अच्छे से टूटने दो। बड़े भैया तेज भैया की खुशी के लिए। हाँ भाई हाँ, सबको खुशियां मनानी, पर मेरे दुख का क्या? मेरा गम तो सब आसानी से भूल गए, मौका मिला नहीं कि खुशियां मनाने निकल पड़े हैं सब। मैं निकल रहा हूं, 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे सब के सब गाड़ी में बैठे हुए चाहिए। कुमार शर्मा, उन्हें 5 बजे का वक्त दिया था। ये देखो अभी 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, 4:45 हुए अभी। अभी ना मम्मा, अगर आप ऐसे ही इधर से उधर और उधर से इधर चलती रहेंगी ना, ना तो घड़ी की सुई जल्दी आगे भागेगी, ना वो लोग जल्दी आएंगे। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, हम उनकी ऐसी खातिरदारी करेंगे कि आपके कान तारीफ सुनते थकेंगे नहीं। Exactly, ओके? गुड, बस ऐसे ही करना। मैं जाके रस्सी खींचती हूँ। नहीं तुझे कुछ मिस्टेक हो गया था? नहीं होगा ना, प्लीज मैं जाके जाऊँ। जाओ जाओ जाओ, मैं जाके देखती हूँ। हाँ हाँ से खींचना और आराम से। okay, समझ ली? हाँ हाँ श्योर। हाँ हाँ ऑल द बेस्ट। ओके गला घुटता छोड़, क्या होता है? नमस्कार नमस्कार, श्रीलाल चतुर्वेदी आइए 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 दादा जी आइए। खड़े रहोगे क्या? अंदर आ जाओ जी। चलिए भैया। ये नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। देखो नहीं हो रहा है, मैं अटक गया। चलिए ना आइए आइए। ठीक तो है ना, ज्यादा चोट तो नहीं है आपको? और लगी भी हो तो क्या, तू क्या करेगा? तू डॉक्टर है? नहीं मैं। अरे भैया खून वून तो नहीं निकला ना? कोई पानी लेकर आ जाओ। मुसीबत का कुछ कह नहीं सकता, पता नहीं चलता कब कहां से आए।
हम कितना भी संभल कर रास्ते पे चले लेकिन सामने से कोई गाड़ी आकर हमें उड़ा दे तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ बाबूजी सही सही बता रहे हैं आप, सही बता रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले कहा था ना ऐसा मत करो। मतलब ये लोहे का बास्केट गिराना पहले से डिसाइडेड था? नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने नहीं कहा था कि इस तरह से फूल मत बरसाओ। हाँ अरे अरे कोई मुझे भी तो उठाओ। आराम से उधर सोफे पर ले चलो, आराम से तेज प्रकाश आराम। सगाई से पहले इतना बड़ा अपशगुन, हे भगवान बाकी सब कुछ ठीक से हो जाए। एकदम ध्यान से बैठ। आ आ आ तू उधर 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 आई ठीक है। पानी, अरे अभी पानी क्या दीदी होश में आ गए? जा जा आपको जूस और शरबत ले। रुकिए भैया ये ऑरेंज जूस है। ऑरेंज जूस है तो क्या हुआ? वो क्या है ना, वेद भैया कभी ऑरेंज जूस नहीं पीते। अच्छा अच्छा तो कोई बात नहीं, आप ये तरबूज का जूस ले लीजिए, वाटरमेलन। हाँ ये नहीं नहीं तरबूज का जूस मत लेना वेद। क्यों? कल ही टीवी पर बता रहे थे कि तरबूज को जल्दी बड़ा करने के लिए दवाइयों का इंजेक्शन दिया जाता है और वो जो दवाइयाँ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। बाबूजी, बाबूजी। अच्छा कोई बात नहीं, पाइनएप्पल जूस। हाँ पाइनएप्पल जूस कितना चलेगा ना? नहीं नहीं पाइनएप्पल जूस पी लें बाबूजी। उसे पानी ही दे दीजिए। मैं लेके आती हूँ। हाँ अभी बस क्या करिए, जल्दी करना। कमाल कहेंगे वही तो कोई ऑरेंज जूस नहीं पीता तो किसी को तरबूज से परहेज है क्योंकि वो इंजेक्शन देके पकाया जाता है। आंटी टोस्टी को लेके मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं वो इतने लोगों को कैसे संभाल पाएगी, है ना? पहले से मैं यही तो कह रही हूँ, सात मर्दों के घर में मेरी बच्ची। आंटी वो सब सोचने का टाइम नहीं है, आज सगाई है, अब क्या करें? अब क्या करेगा क्या मतलब बताएं? अब जब रिश्ता पक्का हो ही चुका है तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि दोस्ती की मदद कैसे करनी है। सुनो तुम लोग एक काम करो, इन सब पर ना नजर रखो, कौन क्या खाता है, कितना खाता है, किसे क्या पसंद है, किसे क्या नहीं पसंद है, छोटी छोटी बातें हर एक बात पर, हाँ, ताकि मैं दोस्ती को बिल्कुल उसी तरह तैयार कर सकूं। चलो नीतिका तू अभी तक पानी लेकर नहीं गई, चल 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 थैंक यू और मैं दीपू को सब कुछ समझा दूंगी। मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ, वो आपका स्वागत अच्छी तरह करने के उत्साह में ये सब गड़बड़ हो गई। नहीं शर्मा जी ऐसा होता है कभी कभी। कोई बात नहीं। तो अब सगाई शुरू करें? हाँ हाँ क्यों नहीं। टोस्टी टोस्टी को बुला लो। जी 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 स्मिता जरा टोस्टी को लेना, नीतिका जाओ ना टोस्टी को ले। भैया रे अंगूठी निकालिए ना। अंगूठी अंगूठी मेरे पास नहीं है, पिताजी के पास है लेकिन वो इस तरफ देख नहीं रहे, पूछना।
पिताजी अंगूठी 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 निकालिए ना पिताजी मेरे पास नहीं है दुकान में मैंने दी थी ना तुझे अंगूठी पिताजी आपने दुकान में मुझे अंगूठी दी नहीं थी दिखा के जेब में रख ली थी मेरे पास नहीं है अरे लोग अंगूठी लाना भूल गए पिताजी आपने शायद घर पे डाइनिंग टेबल पे दादाजी को दी थी बाबूजी नहीं 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 तूने तो मुझे सिर्फ अंगूठी दिखाई थी और हाँ उसी वक्त मुझे पेट में हलचल हुई इसलिए मैं निकल गया था कहाँ है अंगूठी पिताजी 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 वो आपने ना शायद डाइनिंग टेबल पे रख दी होगी तुझे पक्का याद है कि वो अंगूठी टेबल पर ही है डाइनिंग टेबल पे पिताजी मम्मी से किसी के पास तो है नहीं और सुबह सुबह आपने दादाजी को ही दिखाई थी तो वही डाइनिंग टेबल पे ही होगी इसका मतलब अच्छा ठीक है तो तू एक काम कर तू घर पे जा और वो अंगूठी ले आ और इसे भी साथ में ले जा वेद इनसे बोल दे मैं कोई कुरियर वाला नहीं हूँ वेद इसे बोल कि ऐसे मौकों पर घर वाले की जरूरत है कुरियर वाले की नहीं हाँ तो वेद अंगूठी कोई 40 किलो की नहीं है जिसे उठाने के लिए दो दो लोगों की जरूरत पड़े तू अकेला काफी है जा हाँ पिताजी मैं अकेला काफी हूँ मैं चला जाता हूँ अरे भुलक कर तू कहीं भूल गया तो इसे बोल कि अपने भाई के लिए अगर सच्चा प्यार है दिल में तो वो तेरे साथ जाएगा और अंगूठी ले आएगा सच्चा प्यार हर बार कोई ना कोई इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझसे अपना काम करवाते हैं हर बार शर्मा जी माफ कीजिएगा लेकिन यहाँ आने की हड़बड़ी में वो अंगूठी हम घर पर ही भूल आए हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं भैया आ रहे हैं साथ में और तो क्या स्टैम्प स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं तुझे चल पिताजी मैं चलिए इसी बहाने कुछ देर बैठ के बातचीत कर लेंगे आइए ना आइए आइए चीचू मेरे साथ चलिए ना हेलो आप लोग मेरे साथ चलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग है प्राचीन और ज्ञान तुम्हारे लिए भी चलो जल्दी चलिए अरे आइए ओहो भाई अब जब तक अंगूठी नहीं आ जाती तब तक बैठ के प्यार भरी बातें करो अगर क्या एक तो तुम दोनों को अकेले मिलने का मौका दे रही और क्या यू गाइस शुड थैंक अस जल्दी बस और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद बातें कीजिए ना आप लोग बाय नितिका सॉरी क्यों देखो ना घर में एंट्री होते ही वेद भैया के सर पे चोट लग गई तनी हो क्या रहा है पहले वेद भैया के सर पे चोट और अब ये अंगूठी का चक्कर प्रॉब्लम्स आ कहां से रही है तेज अरे कोई आई नो ऑफ कोर्स तुम्हें पता है जब हम तुम्हारे घर रिश्ता पक्का करने आ रहे थे तब सब अच्छा हो इसलिए मैं नींबू के ऊपर पैर रखने गई लेकिन नींबू मेरे पैर के नीचे से सरक गया यही तो अब शगुन हो गया तेज तुम्हें किसने कहा कि अब शगुन ये जो कुछ भी हो रहा है एक इत्तेफाक से ज्यादा और कुछ नहीं है और तुम एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई रैशनल प्रैक्टिकल लड़की हो फिर भी अब शगुन के चक्कर में पड़ गई ये सबको ऐसे क्यों नहीं देखते
कि इतना सब होने के बाद भी हमारी सगाई होने वाली और कुछ ही दिन में हमारी शादी हो जाएगी। टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे भगवान, अब और प्रॉब्लम्स मत भेजिएगा। तेज, क्या हुआ, तुम ऐसे दूर क्यों चले आए? नहीं, वो तुम्हारे साथ इस तरह अकेले मैं कभी किसी कमरे में बैठा नहीं ना, इसलिए। अच्छा, तुम्हारे साथ इस तरह बैठने का हक मुझे कुछ देर बाद हासिल होगा, सगाई के बाद। I love you too. Very much. कोई चीज़ ज़्यादा खाओ पियो ना तो नुकसान करती है। वैसे आप लोगों का lifestyle काफ़ी हटके है ना? हटके नहीं, बहुत हटके। Actually सुबह उठते ही सब इतने बिजी हो जाते हैं ना। देखिए, किसी को सुबह उठते ही चाय बनानी है, तो किसी को कपड़े धोने हैं, किसी को खाना बनाना है, तो किसी को घर की सफाई करनी है। नेक्स्ट डे काम बदलता है, मगर काम तो रहता ही है ना। पांच भाई हैं हम, पांच भाई, फिर भी इतना काम रहता है कि पांच भाई भी हम कम पड़ते हैं काम। अंडी, आपको पता है हम सबको सबसे ज्यादा डर किस काम से लगता है? किस काम से? कपड़े धोने से। भैया आप बताइए ना उनको। बताता हूँ ना, हम क्या करते हैं, हम पानी में डिटर्जेंट डाल देते हैं, फिर कपड़े भिगो देते हैं, दो दिन तक उसको वैसे ही रखते हैं, ऑटोमेटिकली मैल ऊपर आ जाती है और कपड़े साफ। नहीं तो क्या, रोज के 30-30 कपड़े कौन बैठ के धोए? 30-30 सॉरी डिंपल बेटा, मैं लाती हूं। अरे आई एम सो सॉरी। अब मामा, सॉरी ज्ञान, ये पोछा अच्छा है ना, हाथ भी गंदे नहीं होते। हमें अपने घर में कुछ ऐसे ही लाना चाहिए, है ना? आपके घर में पोछा कैसे मारते हैं? हाथ से। हम लोग ना इको फ्रेंडली पोछा लगाते हैं। इको फ्रेंडली मतलब जब जिसकी बनियान या टी शर्ट फट जाती है ना, तो हम उसे पोछा बना लेते हैं। आप लोग पूरे घर में हाथ से पोछा करते हैं? बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। क्या आप भी घर में पोछा लगाते हैं? हाँ, क्यों? नहीं, आपके लुक और आपके स्टाइल को देख के ऐसा लगता नहीं कि आप पोछा लगाते होंगे, इसलिए। बुरा ना माने तो मैं भी आपसे एक बात पूछूं? आप कौन है, किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया? सो सॉरी, ये हमारी छोटी बेटी डिंपल। तो उस दिन जब आप लोग घर पे आए थे तो ये तो नहीं थी आपके साथ? सॉरी, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे ना, इसलिए नहीं आ पाई। इट्स ओके। अरे पढ़ाई इसकी जान है, एक भी क्लास मिस नहीं करती है। और साइंस तो मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, फिर मतलब आपकी और मेरी तो खूब जमेगी। बहुत बहुत मेहनत की है मेरे छेदी ने, दिन रात भूख प्यास बुलाकर एक एक पैसा जोड़कर आज इस मुकाम पर पहुंचा है मेरा छेदी। हाँ, लेकिन मेहनत करने का सबक तो सिखाया आप ही ने बाबूजी। शर्मा जी, मेरी तो इच्छा थी कि मैं एक नौकरी कर लूं, लेकिन बाबूजी ने मुझसे कहा कि नौकरी नहीं, अपना खुद का धंधा करूं। फिर वो ठेले पे रुमाल बेचने का ही काम क्यों ना। आप ही कहिए ललित कुमार जी, नौकरी में ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिर होता तो है मालिक के नीचे ही ना, जबकि खुद के धंधे में तो खुद मालिक होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। छेदीलाल चतुर्वेदी जी, आपकी कहानी सुन के मैं तो आपका फैन हो गया। अरे नहीं,
ये कहानी मेरे अकेले की नहीं है शर्मा जी, इस कहानी में मेरे साथ एक और नाम भी है, वो है मेरा सबसे बड़ा बेटा पशुपतिनाथ। उसने मेरा बहुत साथ दिया। सीढ़ियों से चलते हैं, ये लिफ्ट न जाने कब आएगी। भैया 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 एक मिनट रुकिए तो सही, लिफ्ट से जाएंगे तो अच्छा रहेगा, सीढ़ी से जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, पिताजी राह देख रहे होंगे ना। बड़ी चिंता है तुझे पिताजी की। हाँ। पिताजी समझते क्या है अपने आपको, अरे लड़के के भाई हैं हम लोग, कोई आस पड़ोस वाले हैं कि जा जा मुन्ना जा जाकर लेकर आ, ये चीज रह गई है, कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं। और मुझे मुझे क्यों भेजा भाई, प्राचीन को भी तो भेज सकते थे ना। हाँ दुनिया के सामने रौब जमाना होता है ना कि आज भी मैं अपने बड़े बेटे पर रौब चलाता हूँ और वो चुपचाप सुनता है, मुझे उनकी इसी सोच से नफरत है। वो आठवीं क्लास में पढ़ रहा था जब मैंने उसे स्कूल से उठा लिया, क्या करता मजबूर था, मेरा हाथ बटाने वाला कोई था ही नहीं, पशुपति ने मेरा हाथ बटाया, मेरा बहुत साथ दिया, और मेरे हाथ ही नहीं बल्कि वो मेरे पैर बन गया। हाँ मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो ही हर जगह जाकर आता था। और जब साड़ियों का काम शुरू किया तो साड़ियों के ये बड़े बड़े ढेर, इतनी बड़ी बड़ी गठरियां लेकर पशुपति 10-10 किलोमीटर तक पैदल चलता था। जरूरत नहीं थी पैदल चलने की, लेकिन बस के पैसे बचा रहा था वो। क्यों? क्योंकि उन पैसों में से वो अपने छोटे छोटे भाइयों के लिए चॉकलेट ले आया करता। आज मेरा कारोबार जिस मकाम पे पहुंचा है उसका सारा श्रेय पशुपति को जाता है। बस अफसोस इस बात का है कि मैं उसे पढ़ा नहीं पाया। किताबी पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है छेदीलाल चतुर्वेदी साहब, लेकिन आपने तो उसे जिंदगी पढ़ा दी, और उसने पूरी लगन के साथ जिंदगी का पाठ पढ़ा भी, और क्या चाहिए। मुझे तो लगता है कि जिंदगी को पढ़ते पढ़ते वो कहीं अंगूठी की कीमत तो पढ़ने नहीं लग गया। अरे छेदी मेरी तरफ क्या देख रहा है, घड़ी को देख घड़ी को, काफी वक्त हो गया है, वेद और पशु अब तक अंगूठी लेकर आए क्यों नहीं, जरा पूछ तो कहां तक पहुंचे। हाँ साजिश तो ये लड़की वालों की है, मुझे लगता है जानबूझ के उन्होंने मेरे सिर पे वो लोहे की टोकरी गिराई ताकि मैं। अच्छा तू क्या बहुत बड़ा नेता है जो तुझे मारकर उनको फायदा मिलेगा, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दे, चल। सब आप लोग शर्मा जी के घर आए हैं ना सगाई के लिए। भाई साहब आप शर्मा जी के पड़ोसी हैं। जी हाँ। जरा ये तो बताइए कि किस तरह के लोग हैं वो, मतलब आप तो काफी सालों से जानते हैं ना उन लोगों को, इस टाइप क्या कर रहा है भाई साहब। आप जाइए, आप जाइए प्लीज जाइए भाई साहब, बस इस सवाल का जवाब। इसकी आदत है जो कोई अजनबी देखता है तो उससे सवाल पूछने लग जाता है, आप जाइए जाइए क्या कर रहे हैं। अरे जाइए ना भाई, बोल दिया ना सॉरी, जाइए। क्या कर रहा था तुम, हाँ क्या कर रहा था भैया, हो क्या गया आपको। अरे हो क्या गया क्या मतलब, इस तरह से रास्ते में चलने वाले लोगों से लड़की वालों के बारे में इंक्वायरी करेगा तू, हाँ क्या इज्जत दे जाएगी उनकी। बस करता है भैया, आप लड़की वालों की तरफदारी कर रहे हैं। नहीं नहीं मतलब आपको तो प्रॉब्लम है ना। मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस रिश्ते से प्रॉब्लम है। इसकी अपनी एक वजह है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी पगड़ी इस तरह ही उछालता फिरूं सरे आऊं। अगर दोबारा से ऐसी ओछी हरकत की है तो मार मार के चमाटे मार मार के मुंह लाल कर दूंगा, चल। इतनी देर लगा दी इन्होंने आने में, पता नहीं अंगूठी कब लाएंगे, सारा खाना ठंडा हो जा रहा है। हे भगवान सब ठीक कर देना। क्यों नहीं रहा है, अरे लगता है वो लोग आ गए। हाँ हाँ हम भी आ गए। अरे जा 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 दोस्ती को बता दे कि वो लोग आ गए। बेटा बेटा पूजा की थाली, पूजा की थाली लगा करके, अरे जा 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 जल्दी जल्दी जल्दी। I'm really sorry.
जय 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 जय